दोस्तों पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड का पहला वनडे मैच 8 जुलाई को शाम 5:30 पर शुरू हो जाएगा और इससे पहले पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है। आज प्रैक्टिस मैच में शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम को पांव पर लग गया, जिसके बाद बाबर आजम का पांव काफी ज्यादा जख्मी हो गया और उनको ग्राउंड में ही तबई इमदाद मिल गई, जिसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि बाबर आजम तकरीबन 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं चल सकेंगे। अगर ये चले तो इनका पांव और ज्यादा फ्रैक्चर हो सकता है। बस आप दुआ करें कि बाबर आजम का पांव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो पहला मैच खेल सकें। अगर बाबर आजम का पांव ठीक नहीं हुआ तो बाबर आजम पहले मैच से बाहर हो सकते हैं। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हम बाबर आजम का चेकअप बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं, हमें ये उम्मीद है कि 4 या 5 दिन से पहले बाबर आजम का पांव ठीक हो जाएगा, लेकिन एहतियातन बाबर आजम 4 या 5 दिन तक चल नहीं सकेंगे। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने फैंस के लिए एक मैसेज भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरा पांव ठीक हो जाए और मैं पहला मैच खेल सकूं। दोस्तों बाबर आजम के लिए आप भी दुआ करें कि उनका पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो पहला वनडे मैच ठीक से खेल सकें।